तीन दिवसीय दौरे के अंतिम दिन शनिवार सुबह गोरखपुर से रवाना होने से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोहद्दीपुर स्थित श्री श्री गोपाल मंदिर में भगवान गिरधर गोपाल का दर्शन पूजन कर लोक मंगल की कामना की। इस दौरान उन्होंने गोपाल से खुद आशीर्वाद लिया तो यहां मौजूद बाल को खूब प्यार दुलार कर उनके उज्ज्वल भविष्य का भी आशीर्वाद दिया। दो नन्ही बच्चियों के बीच सीएम योगी का वात्सल्य भाव देख वहां मौजूद सभी लोग अभिभूत थे। सुबह करीब 10 बजे सीएम योगी जैसे ही श्री श्री गोपाल मंदिर पहुंचे, पूरा मंदिर परिसर जय श्री राम के जयकारे से गूंज उठा। मंदिर प्रबंध समिति की तरफ से उनका भव्य अभिनंदन किया गया। महिला श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया, आरती उतारी। मुख्यमंत्री जैसे ही मंदिर में प्रवेश किए, उनकी नजर दो छोटी बच्चियों पर गई और स्वाभाविक तौर पर उनका बाल प्रेम उमड़ पड़ा। दिनेश आनंद, अलका आनंद की पुत्री तारली तथा सागर मोदी, ईशा मोदी की बेटी ऋषिका को खूब दुलार करते हुए सीएम योगी ने उनका नाम जाना, उनकी पढ़ाई के बारे में पूछने के साथ उन्हें खूब पढ़ने और खूब आगे बढ़ने को प्रेरित किया। सीएम की सहजता और उनका बच्चों के प्रति स्नेह भाव देख सबके चेहरों पर मुस्कान तैरती रही। बच्चियों को स्नेहिल आशीर्वाद देने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में प्रभु श्री कृष्ण की प्रतिमा का दर्शन और विधिवत पूजन किया। इस दौरान उनके स्वागत को लेकर सभी मौजूद लोग आतुर दिखे। सीएम ने बड़ी सहजता से सबका अभिनंदन स्वीकार किया। श्री श्री गोपाल मंदिर आगमन पर सीएम योगी का स्वागत करने वालों में मंदिर समिति के अध्यक्ष दीपक कक्कड़, उपाध्यक्ष जगदीश आनंद, राजेश साहनी, सचिव सुरेंद्र सूरी, लिल्ली कोषाध्यक्ष महेश आनंद, मीडिया प्रभारी तोशिबा आनंद, सदस्य चंद्र मोहन शाहनी, योगेश आनंद, योगेंद्र लाल आनंद, मंदिर महिला समिति के अध्यक्ष रेखा आनंद, उपाध्यक्ष पूनम भाटिया, सदस्य दर्शना आनंद, नीता आनंद, सोनिया सूरी, अंजू निशी, सोनिया आदि शामिल रहे। श्री श्री गोपाल मंदिर में प्रांतीय खत्री सभा उत्तर प्रदेश ने सीएम योगी आदित्यनाथ को सभा की तरफ से समर्थन पत्र सौंपा। इस दौरान सभा के प्रदेश अध्यक्ष संजय महिंद्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष सचिन शरीन, प्रदेश उपकोषाध्यक्ष डीसी टंडन, संरक्षक गोरखपुर डॉक्टर संजीव गुलाटी, जिला अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र चोपड़ा मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोपाल मंदिर के अध्यक्ष दीपक कक्कड़ ने कहा, थोड़ा और आगे बीच में जगह अंदर है, अंदर अंदर है, अंदर है। मुंबई को भी दिखा दिया।
लड़की दिखाते मन जाए बोलिएगा एक बार खाली कर महाराज जी मेरा नाम दीपक कक्कड़, मैं गोपाल मंदिर का अध्यक्ष हूँ। महाराज जी हमारे गोपाल मंदिर में भी आए थे और ज़्यादा समय नहीं दे पाए, इसके पश्चात मेरे निवास पे भी आए। महाराज जी ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया, हम उनके बहुत आभारी हैं। और हम लोग पुराने जनसंघ और पुराने बीजेपी के सेवक रहे हैं, महाराज जी के पास समय कम होने के कारण वो बहुत समय हमें नहीं दे पाए, तब भी हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।